तो हम लोग हमेशा ही अनजान और भयानक चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी यही चीज़ किस हद तक हमारी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। आज की कहानी में हमें ये पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी शुरुआत होती है और उस दिन हेलोवीन था, जहाँ पर क्लाउन इंटरव्यूअर के सामने अपने म्यूजियम की ओपनिंग करता है। तभी वहाँ पर दो रॉबर्ट्स आते हैं जो क्लाउन की दुकान को लूटने के लिए आए थे, और इंटरव्यूअर उन रॉबर्ट्स को पहचान जाते हैं। तभी वहाँ पर क्लाउन का एक साथी आता है और क्लाउन और उसका साथी मिलकर उन रॉबर्ट्स को मार डालते हैं। सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में चार टीनेजर स्वीटी, बियर्ड, स्पेक्टेकल और करली, वो सभी क्लाउन के म्यूजियम की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे। वे सभी क्लाउन के गैस स्टेशन आ जाते हैं और क्लाउन वो रॉबर्ट्स का खून साफ कर रहा था, और फिर भी ये बात उन दोस्तों को नजर नहीं आती है। क्लाउन उन सबको अपना म्यूजियम दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक चीजों से बना हुआ था, और क्लाउन फिर उनको डॉक्टर सेटन के बारे में बताता है जो अपने पास आने वाले हर पेशेंट को बड़ी बेरहमी से मार डालता था। डॉक्टर सेटन खुद भी श्रिंसोफेनिया का मरीज था और बियर्ड डॉक्टर सेटन की जगह पर जाना चाहता था, तो क्लाउन उसे उस जगह का मैप दे देता है। सभी फिर डॉक्टर सेटन की जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, और जाने से पहले स्वीटी अपने फादर को कॉल करके कहती है कि वो 11 बजे उनको कॉल कर देगी। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि स्वीटी जिस टाउन में गई है वहाँ पर पहले से ही 5 चीयरलीडर गायब हो चुकी है। कुछ दूर जाने के बाद में वे सभी रास्ता भटक जाते हैं और बरसात भी अब तेज हो रही थी। रास्ते में ब्लॉन्ड नाम की एक लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है और वे लोग उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं। ब्लॉन्ड से उनको पता लगता है कि डॉक्टर सेटन का घर ब्लॉन्ड के घर के पास ही है, तो वे सभी ब्लॉन्ड के घर के लिए निकल जाते हैं, और ब्लॉन्ड के घर तक पहुंचते ही उनकी कार खराब हो जाती है। ब्लॉन्ड उनसे कहती है कि उसका भाई भी एक मैकेनिक है, तो वे सभी उसके घर में रुककर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। बाकी तीनों ब्लॉन्ड के भाई का वेट करने के लिए कार में रुकते हैं, और स्पेक्टेकल ब्लॉन्ड के साथ में उसके घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद में उनकी कार के सामने ब्लॉन्ड का भाई रेगन आता है और उनकी कार को वो ठीक करता है। यहाँ पर ब्लॉन्ड स्पेक्टेकल से फ्लर्ट कर रही थी और ब्लॉन्ड कुछ आगे बढ़ पाती उससे पहले ही बाकी सब उसके घर में आ जाते हैं। स्वीटी ब्लॉन्ड से फ़ोन मांगती है ताकि वो अपने पिता से बात कर पाए, लेकिन ब्लॉन्ड उसे कहती है कि उनके घर में कोई फोन नहीं है। अब यहाँ पर बारिश रुकी नहीं रही थी, तो ब्लॉन्ड की मदर जिल उनसे हेलोवीन डिनर तक रुकने को कहती है, और सभी लोग डिनर के लिए मान जाते हैं। डिनर टेबल पर रखे खाने के साथ में सभी को मास्क पहनने को दिया जाता है, क्योंकि रेगन का फेस एक्सीडेंट में बुरी तरीके से कुचल गया था। उसे दूसरों की खूबसूरती देखकर बुरा न लगे, इसलिए सभी लोग उसके सामने मास्क लगाते हैं। डिनर के बाद में ब्लॉन्ड के फादर एंटन सबको एक क्रीपी शो दिखाते हैं। सबको ये शो देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन बियर्ड ये सब देखकर हंस रहा था। तभी रेगन आकर उनसे कहता है कि उनकी कार ठीक हो चुकी है, और सभी फौरन वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जाते समय वहाँ का गेट बंद था। स्पेक्टेकल कार से उतरकर गेट खोलने जाता है और अचानक से रेगन उस पर हमला कर देता है। बियर्ड उसकी मदद करने जाता है, लेकिन लंबे बाल वाला आदमी उस पर भी हमला कर देता है, और डर के मारे स्वीटी और करली कार का डोर लॉक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी लंबे बाल वाला वो लॉन्ग हेयर उनकी कार का ग्लास तोड़कर दोनों को बाहर निकालता है, और वो उनको घर में ही कैद कर लेता है। कुछ टाइम के बाद में स्वीटी खुद को बंधा हुआ पाती है और मदद के लिए चिल्लाती भी है। तभी वहाँ पर वही लॉन्ग हेयर आकर उसे चुप करता है। लॉन्ग हेयर स्वीटी को उसके बॉयफ्रेंड स्पेक्टेकल की लाश दिखाता है, और उसकी बॉयफ्रेंड की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मरमेट की तरह बना दिया गया था, और स्पेक्टेकल की ऐसी हालत देखकर स्वीटी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर लॉन्ग हेयर स्वीटी को ज़बरदस्ती किस भी करता है। इधर दूसरे रूम में करली को बेड पर बांध कर रखा गया था, और उसके सामने रेगन अजीब तरह से खाना खा रहा था। करली उस रूम से भागने वाली थी, लेकिन लॉन्ग हेयर उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता है, जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेड लोग थे जो कि करली को नोच नोच कर खाने लगे थे। ब्लॉन्ड भी बियर्ड से अजीब सवाल पूछकर उसे टॉर्चर कर रही थी, और सवाल के जवाब नहीं देने पर ब्लॉन्ड बियर्ड के सर की खाल को चाकू से उखाड़ देती है। इधर दूसरी तरफ स्वीटी के फादर उस टाउन के पुलिस को स्वीटी की मिसिंग होने की रिपोर्ट देते हैं। वो पुलिस क्लाउन के गैस स्टेशन जाकर उनके बारे में पूछताछ करते हैं, और क्लाउन उन्हें डॉक्टर सेटन का एड्रेस दे देता है। पुलिस और स्वीटी के फादर ब्लॉन्ड के घर तक पूछताछ के लिए आते हैं। घर के पास में पुलिस को उन सभी टीनेजर्स की कार भी मिल जाती है। कार में उन मिसिंग चीयरलीडर्स में से एक के सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है,
और जिल उनको कॉफी के लिए घर के अंदर बुलाती है। एक पुलिस वाला घर के अंदर जाता है और दूसरा पुलिस वाला और ब्लॉन्ड के फादर घर की दूसरी तरफ छानबीन करने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कमरे में ब्रूटली मारी गई डेड बॉडीज मिलती है और वहाँ एक लड़की को भी बंद करके रखा गया था। पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को इन सब के बारे में वार्न कर ही रहा था कि तभी अचानक से जिल उस पुलिस वाले को और एंटन दूसरे पुलिस वाले और स्वीटी के फादर को मार देता है। वे लोग स्वीटी के फादर की चमड़ी निकाल लेते हैं और उसके फेस की चमड़ी पहनकर लॉन्ग हेयर स्वीटी के सामने जाता है। स्वीटी को एक पल तो ऐसा लगता है कि वो उसके पिता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि उन लोगों ने उसके पिता को बेरहमी से मार दिया है। स्वीटी, कर्ली और बियर्ड को वे सभी एक कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं और स्वीटी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लॉन्ड उसे पकड़कर एक क्रॉस से उस पर कई बार वार करके उसे मार डालती है। फिर कर्ली और बियर्ड को एक कॉफिन में बंद करके एक गड्ढे में डाल देते हैं और कुछ मंत्रों से वो उसका टॉप लगा देते हैं। गड्ढे के अंदर बहुत सारे जोम्बिस उनको खाने के लिए उनके कॉफिन को तोड़ने लगते हैं और किसी तरह कर्ली कॉफिन से निकलकर एक टनल में घुस जाती है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज को लाइन में रखा गया था। वहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन भी मिलता है और वो उससे मदद मांगती है, पर वो आदमी भी खून का भूखा था। कर्ली किसी तरह वहाँ से भागकर एक दरवाजे के पास पहुँचती है जहाँ पर डॉक्टर सेटन एक आदमी को टॉर्चर करके उसे बुरी तरीके से काट रहा था। डॉक्टर सेटन कर्ली को पकड़ने वाला था, पर कर्ली किसी तरह बाहर निकल आती है और इन सब के कारण वो बहुत ज़्यादा सदमे में भी थी। वो एक कार से लिफ्ट भी लेती है, लेकिन वो ये नहीं देखती है कि जिस कार में वो बैठी है वो क्लाउन की ही कार है। और थककर कर्ली कार में सो जाती है और उस कार के पीछे लॉन्गर बैठा हुआ था। कुछ समय के बाद में कर्ली की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बेड पर बंधा हुआ पाती है और उसके सामने डॉक्टर सेटन खड़ा हुआ था। और कर्ली के चीखों के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, एक समय पर डॉक्टर सेटन नाम का एक आदमी था जो अपने पेशेंट को बेरहमी से मार डालता था। डॉक्टर सेटन की वजह से ब्लॉन्ड की म्यूटेड फैमिली जेनेटिक शिज़ोफ्रेनिया के शिकार थी, जिस वजह से वे सभी लोगों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करते थे और वे सब सेटन की पूजा भी करते थे। और इसीलिए वो बियर्ड और कर्ली को गड्ढे डालते टाइम उन लोगों ने कुछ मंत्रों को प्ले किया था, जिस वजह से डॉक्टर सेटन अब तक अपना शिकार कर रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लैशर और हॉरर मूवी है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ये मूवी देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई सारी मूवीज़ की वीडियो डालता हूँ और इसके बदले में आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।